दोस्तों आज के मोटिवेशन में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। और आज का जो विचार है वो बहुत ही ज्यादा स्पेशल है, बहुत ही ज्यादा कमाल का। ये विचार मैंने एक जो है अफ्रीकन अमेरिकन लेडी से लिया है, जो कि एक सेलिब्रिटी है, वर्ल्ड रिनॉन्ड है, वर्ल्ड फेमस है, ओपरा विनफ्री को मैं जो है बहुत इज्जत देता हूँ। बहुत कुछ उनसे सीखा है मैंने, बहुत सारी चीजें उनसे सीखी हैं। पिछले जो है 10-12 साल से मैं उनको जो है यूट्यूब पर सुनता हूँ। लाइव तो चलिए उनसे मैं नहीं मिला हूँ, और उनके बहुत सारे मैंने इंटरव्यूज देखे हैं जिनमें उनको खुद इंटरव्यू किया गया, उन्होंने किसी और पर्सन को इंटरव्यू किया। तो उनसे एक विचार जो मैंने सीखा है दोस्तों, वो ये है कि हम सब इंसान एक ही चीज अपनी लाइफ में चाहते हैं, वो है अपने आप का हाईएस्ट और ट्रूएस्ट एक्सप्रेशन। ये जो विचार ओपरा विनफ्री का है, ये मेरे दिल में बहुत अंदर तक चला गया और मैंने इस विचार से बहुत कुछ सीखा है। और मैं दिल से चाहूंगा आप भी इस विचार से ज्यादा जो है वो लेसन्स ले पाए, ज्यादा से ज्यादा लर्निंग इससे ले पाए कि आप सक्सेस का मतलब क्या है, आपकी हाईएस्ट और ट्रूएस्ट एक्सप्रेशन मैनिफेस्टेशन। हाईएस्ट का मतलब है जो आप ज्यादा से ज्यादा अपने आप को बना सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा आप अपनी ग्रोथ कर सकते हैं। और ट्रूएस्ट का मतलब है बिना किसी समझौते के, बिना किसी मास्क लगाए, बिना किसी चीज को फेक किए हुए, रियल सेंस में, ऑथेंटिक सेंस में और रीजनल सेल्फ में आप जो बनते हैं। तो सक्सेस जो है वो है आपकी आपकी पर्सनैलिटी का, आपके इनर सेल्फ का हाइएस्ट और ट्रूएस्ट मैनिफेस्टेशन, हाइएस्ट और ट्रूएस्ट एक्सप्रेशन। मैं जब भी कोई चीज करता हूं तो मैं ये जरूर देखता हूं कि ये चीज करने से क्या मेरा हाईएस्ट और ट्रूएस्ट सेल्फ बाहर निकलेगा। अगर निकलेगा तो मैं उस चीज को जरूर अमल में लेकर आता हूं। अगर मुझे लगता नहीं ये मेरे हाईएस्ट और जो है ट्रूएस्ट सेल्फ को सर्व नहीं करेगी और ये वो चीज नहीं है जैसा मैं सचमुच हूं, तो मैं उस चीज को कभी नहीं करता। तो ये हाईएस्ट और ट्रूएस्ट मैनिफेस्टेशन इज इक्वल टू योर सक्सेस, इज इक्वल टू लास्टिंग सक्सेस। ये थॉट से मैंने दोस्तों बहुत कुछ सीखा। आप ओपरा विनफ्री के इंटरव्यूज देख सकते हैं, उनके कोट्स देख सकते हैं, इस विचार पर आप रिसर्च भी कर सकते हैं। बहुत ही कमाल का विचार है दोस्तों। मेरे साथ आज के मोटिवेशन में बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत आभार। थैंक यू।